देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक अनोखा संग्राम छिड़ा है, जहां कानून के रखवाले और कानून के जानकार आमने सामने आ गए। जी हां, दिल्ली में काला कोट बनाम खाकी वर्दी की लड़ाई सड़कों पर दिख रही है। 30,000 कोर्ट में हिंसक झड़प के बाद पहले वकीलों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी 10 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया है। शनिवार को 30,000 कोर्ट में एक मामूली बात पर पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई। चलते रहो भाई। तीस हजारी में पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस वालों की जबरदस्त गुंडागर्दी। लक्ष्मण भाई शनिवार को 30,000 कोर्ट में पार्किंग के विवाद को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई। बाद में वकीलों ने आगजनी की और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बस इसी वजह से ये विवाद इतना बढ़ता चला गया। इसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया, जो कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच गया। 30,000 कोर्ट में एक वकील की गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, पहले गिरफ्तारी, फिर हिंसक झड़प और बाद में सड़क पर खुली लड़ाई तक पहुंच गया। भिड़ंत के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई, दो वकील भी घायल हो गए, जिसके बाद वकील और ज्यादा भड़क गए और पुलिस जीप और वहां मौजूद कई वाहनों में आग लगा दी गई। वकीलों का आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग की गई तो वहां मौजूद एक वकील के सीने में गोली लग गई। शनिवार को 30,000 कोर्ट के बाद दिल्ली के साकेत कड़कड़डूमा कोर्ट में भी वकीलों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। इसके बाद यूपी के कानपुर से भी खबर आई है, जिसमें कानपुर में वकील ने पुलिस जवान की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस की सभी मांगों को मानने के बाद मुख्यालय के सामने से पुलिस कर्मियों का धरना 10 घंटे बाद खत्म हो गया है। इसके साथ ही सुबह से रोका गया ट्रैफिक 10 घंटे के बाद बहाल हो पाया। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों की सभी मांगे मान ली। हालांकि पुलिस कर्मी अब मुख्यालय से हटकर इंडिया गेट पहुंचने लगे हैं, वहां पर धरना शुरू हो गया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश IPS एसोसिएशन ने भी 30,000 कोर्ट में हुए दिल्ली पुलिस पर हिंसा की निंदा की। इसके साथ ही कई और IPS एसोसिएशन दिल्ली पुलिस के समर्थन में आ गए। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मामले की फिलहाल न्यायिक जांच चल रही है, जांच के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। गृह मंत्रालय मामले पर पूरी नजर बनाए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट DHD न्यूज़।